क्वेश्चन है, अनन्य प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, पास में रखी दो कुंडलियों को जब एक कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली में भी समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? हम अनन्य प्रेरणा कहते हैं। ताकि इसे चित्र की मदद से अच्छी तरह से समझें, तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं दो कुंडलियां पास में रखी गई है, एक है प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली जो कि राउंड राउंड में है, ये हरा कलर का है, ठीक है, यही एक कुंडलियां। और इसके बीच में जो लाइन देख रहे हैं 4-5 ए बी जो है ये क्या है? विद्युत फ्लक्स है। क्या है? विद्युत फ्लक्स। और जो आप एस देख रहे हैं, एस एक स्विच है और बी क्या है? बी बैटरी है, प्लस माइनस जो बी है उसके पास वो क्या है? बैटरी है। और आर जो है ये प्रतिरोध है और आई ये क्या है? आई एक विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो बैटरी के द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा और यहाँ पर जहाँ जानते हैं विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कुंडली में प्राथमिक कुंडली में जब जाएगा तो फ्लक्स के द्वारा कुंडली ए से कुंडली यहाँ पर बी में चला जाएगा, ठीक है, कुंडली ए से कुंडली यानी द्वितीय कुंडली में चला जाएगा और वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। तो आपने डिफिनेशन में भी देखा, जब एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो दूसरे में भी उत्पन्न हो जाता है। तो यही रहा आपका डिफिनेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।